आगामी चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत बनाने बूथ स्तर तक बनाई गई योजना पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा एक आवश्यक बैठक राजीव भवन दुर्ग में आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग के विधायक अरुण वोरा एवं मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद की विशेष उपस्थिति रखी गई। गौरतलब है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जोन अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों की कार्यशाला आयोजित कर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जोन कमेटी को मजबूती के साथ सक्रिय होकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना और कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों को आम जनों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक रखे थे अरुण वोरा जी और गया पटेल जी की उपस्थिति में। ये बैठक इस प्रकार की थी कि मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हम लोग ने एक कार्यशाला लगाया, जिसमें जोन अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों को बुलाया गया था। एक कार्यशाला लगाकर हम उसमें, जैसे हमारे मध्य ब्लॉक में 12 वार्ड, 39 बूथ और 3 जोन और 6 सेक्टर हमने बनाया है, उनके अध्यक्षों की बैठक लेके हमको बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है आने वाले चुनाव के संबंध में। और छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी जो नीति माननीय भूपेश बघेल जी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का लगातार विकास कर रहे हैं, चौमुखी विकास, उसको आम जनता तक पहुंचाना है और जिन जनताओं को जिसका लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाना है। और अरुण वोरा जी दुर्ग शहर में जो छत्तीसगढ़ शासन जो काम कर रही है और उसको यहाँ पर वो काम कर रहे हैं विकास कार्य, उसको हमको आम जन तक पहुँचाना है और संगठन का ढांचा को बहुत मजबूती के साथ खड़े करना आने वाले चुनाव के लिए, उसके संबंध में हमारी कार्यशाला थी। आज जैसे हमने ब्लॉक की बैठक ली, इसके बाद हमारे जोन अध्यक्ष हैं वो अपने जोन में जाके बैठक लेंगे और सेक्टर अध्यक्ष अपने सेक्टर में बैठक लेगा और वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष जाके अपने बूथों में बैठक लेंगे, ताकि एक संगठन का ढांचा तैयार हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।